भूल बूटे नदीम किथे में ओके ओके अच्छा ये ये बाहर से देख लो ये अपना है होटल ठीक है ये सामने आ गया जी पूल हैप्पी बैचलर पार्टी मियां रजबा तू कहां चला है कहां जा रहा है यार बट मैं तुम दसिया सी मेनू दावत अरबियां लो यार अज दा दिन मेनू एक दिन दे दे चार पांच दिन ये आ गया बॉस का बेडरूम जी ये हमारी भतीजी की क्या है क्या कहते हैं इसको कॉट कॉट कहते हैं जादू जादू अच्छा जी यहाँ से पढ़ते बुढ़ जाने बोले यहाँ से बंद कोई थोड़ी सी शर्म तेरे अंदर हो या तुझे गिल्ट हो रहा हो कि हाँ भैया गलत हो क्या काम मेरे से नहीं मेरे से कोई गिल्ट क्यों मैंने किया कुछ नहीं है हर बार का हमारे साथ ये सारे काम होने हैं दुनिया जहान जो है वो फ्लाई करता है किसी का इतने काम नहीं होते हमारे साथ ही होने सारे किस्मत खराब है मैं क्या कर सकता ले किस्मत तेरी कल्ले नहीं खराब है साड़ी नहीं खराब अच्छा जी आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा हुआ है मैं आपको सारी स्टोरी बता देता हूँ हमारी आज रात कितने बजे की 12 बजे की ना है ना इधर कितने बजे की आज रात 12:45 बजे की हमारी फ्लाइट थी लाहौर वापसी की ठीक है हम लोग सुकून से उठे देख रहे हो सुकून अभी 3:30 हो रहे हैं नहीं क्या 3:30 हुए ना 3:30 हो रहे हैं हम लोग सुकून से उठे हैं नींद शींद पूरी करके कि रात की फ्लाइट है व्लॉग आराम से स्टार्ट करेंगे नाश्ता भी नहीं किया 1:30 बजे भाई साहब ने आकर उठा दिया मैं क्या हुआ वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है क्यों कैंसिल हुई भाई वजह यार वेदर का मसला होगा 100 मसले में साहिल पाकिस्तान में चल रहे मेरा मुझे क्या बताओ मैं यार मेरी गल सुनो सारे मसले साढ़े नाल ही क्यों होने यार जाना लाजिम है जी यार तुम्हें पता भी है यार लगाऊं तो करने के लिए मेरा इसमें क्या कसूर है यार अच्छा मेरी गल सुन एक फ्लाइट कैंसिल हो गई दूजी फाड़ ला कोई एक बजे फाड़ ला 1:30 बजे फाड़ ला अज रात नु भेज यार भाई न्यू खान की बस नहीं है एयरलाइन है यार डोगर अच्छा कुछ उठा ला रही कुछ उठा ला रही न्यू खान की बस नहीं है हर आधे घंटे अभी भेज दो की बस एयरलाइन का अपना स्केड्यूल होता है भाई केड़ा स्केड्यूल होता है सानू दस्या तू आप मानू ते पता है कुछ की कितना पता नहीं मैं कितन मामू कान जंदे नाम लो नहीं जंदा यार मान यार मेरे से क्यों लड़ रहे हो मेरा क्या कसूर है इसमें अच्छा जी ये दो बंदे बड़े हैप्पी हैं ये दो भाई बैठे हैं ना ये बड़े हैप्पी हैं फ्लाइट कैंसिल हो गई है भाई जान मेरी गल सुनो मम्मा को कॉल मिलाओ मम्मा को कॉल मिलाओ मेरा घर प्रॉपर रेडी हो गया सामान फर्नीचर का आना स्टार्ट हो गया गीजर वाला आ गया और मेरी शादी के कार्ड नहीं छपे साहब लाओ यार छड्या करो साथ भाई अल्लाह की कसम जाती है यार घर जाना यार अब बस कर दे डोगर की करना है यार अंदा हद हो गई है यार फ्लाइट जी आज रात ही कैंसिल हो गई है और मुझे 110% श्योर है कि ये 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद भी हमें वापस नहीं लेके जा सकता अम्मा को फोन करते हैं पूछते हैं कि लाहौर की क्या सूरत हाल है ना शादी के कार्ड बने ने ना मेहमान फाइनल हुए ने हाँ जगह गिरने लगा था जगह डिसाइडेड है नदीम साहब मेरी बात सुने आपने बड़ा ट्रैवल किया माशाल्लाह जिंदगी में अपनी मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस बंदे से टिकट बुक ना करवाएं क्यों रात को ये सो रहा था और ऐसे कह रहा था हाय प्यार ठग गया मैंने कहा मैंने क्या हुआ है कहता यार मुझे वो हो मुझे लगा कि मेरे क्लाइंट का ना टिकट कैंसिल हो गया मुझे 50,000 का नुकसान हो गया मैंने कहा तुम खाम है तो इस बंदे का यार ये तो वैसे बंदा जो खाम है नुकसान की बातें कर रहा है जिसको नहीं यार वो टिकटें बड़ी अच्छी बुक करता है ठीक है उसकी गलती नहीं है लेकिन ये कि हमारे साथ ही क्यों हर दफा इस तरह होता है बिल्कुल सही टिकटें बड़ी अच्छी बुक करता है 24 दी 25 की बुक कर देता 25 26 बजे यार नदीम मेरा भाई है ठीक है वो अलग बात है कि ये बेसबूस लगाता है नहीं बेसबूस लगाता बट जो है ना बट मेरा भरा भाई अच्छा ये देखो इसको भी देख लो मुझे भी देख लो मैं सिर्फ नहा के आया हूँ नहा के बेस ला के खड़ा खुदा पाक की कसम बेसबूस को वगैरह हो जाने गालियां ना निकाला कर यार अम्मा को फोन कर दो भाई अम्मा को कॉल कर घर की अपडेट लेते हैं क्या है और अब क्या करना है समझ से बाहर है देखते हैं जैसे ही फ्लाइट होगी मैं आपको बताऊंगा और हाँ भाई जान हमारा आज चेकआउट भी है यहाँ से आज चेकआउट करके आज का शुगर मेला हमारे यहाँ इंशाल्लाह शुगर मेला क्या रहना कहते सड़क पे रहना आज वो मेरी तरफ से वो सरप्राइज है क्या है आज मैंने उस जगह पे लगे जाना है जहाँ मैं रहता होता हूँ बादशाह जेबीआर का बादशाह आना नहीं माना
अच्छा जी फाइनल हो गया आज का सारा शुक्र मिला। अब यहां से अगली रिहाइश ईच एंड एवरीथिंग नदीम नानी वाला करेगा क्योंकि मेरे पैसे मुक गए ना। ठीक है मैं फिनार हो गया वहां, कुछ थोड़े से पैसे रह गए और शॉपिंग करनी है। और वैसे भी हमारा आज 2-3 बजे का चेकआउट था, अब हम यहां से फारिग हैं और ऐसे ही खड़े पाऊं यहां पर बुकिंग नहीं मिल जाएगी, हमने बुकिंग बनाई नहीं हुई अब। ठीक है अगर आप सारा साथ दूध देख लें, कहां जाना क्या करना सारा कुछ देख ले, मैं कॉल कर लेते हैं उसके बाद निकलते हैं यहां से चेकआउट कर रहे हैं यहां से। अकल ना हो गए मोजा ही मोजा की कर रहे तू, चम्मच ना नाला पा रहे, चमची ना नाला नहीं पेंदा यार, ये काम वेख रहे नाले पानी दुबई तू लै के देनी दुबई वाले नाला किस तरह पाते दुबई वाले नाला नहीं पाते बेटा कच्छा पाते ने थलों जितों दी। अच्छा ओके 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 तदी फिर है तदी कच्छे पाए ने। अच्छा ये निकलेगा कैसे बाहर, मैं कर लांगा टेंशन देख ही तू लाइव निकल आया मम्मा कॉल कर यार बात करवा। लेकिन बट मेरे गल दस तू लाहौर मेरे को आया पागल नहीं शर्ट है उसकी यार तू नदीम नदीम मेरा भरा ही नदीम मेरा भरा ही दो चार दिन बाद चले जाएंगे, इंटरनेट नहीं है ना कोई चीज चल रही है, सारा काम आप इंटरनेट का सही कर रहा फेसबुक देखता फेसबुक ही मैं देखना ब्लॉग तेरी केबल से बना ब्लॉग केबल से बना उसकी सारी मसरूफियात ही फेसबुक इंस्टा टिकटॉक से है ना, तो कह रहा है ना ही जाओ पाकिस्तान नहीं चल जाएगा, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह हमारे जाने तक, टेंशन ना ले। हो गया क्या बात है डोगरा, क्या कहना कहना दुबई जी आधार बंद तू लिया देना मैं नाले पौनी। अच्छा भजन मम्मा की ऐसी कॉल आती है, अभी उनका भी इंटरनेट बंद है क्योंकि वहां पर इंटरनेट वगैरह नहीं चल रहा, काफी माहौल खराब हुआ पाकिस्तान के अंदर। जैसी अम्मा से बात होती है आपके सामने बात करूंगा, इजी हो जाओ। लो जी अल्लाह अल्लाह करके कॉल मिल गई है, वो भी अम्मा के नंबर पे नहीं सलमान के नंबर पे मिली है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है पुत्र। आ जा कसम से मुझे तेरे पे गुस्सा आ रहा है बड़ी, तो क्यों नहीं करा बात समझे ये? मम्मा जी आपको कभी मेरे पे प्यार ही है, आपको हमेशा गुस्सा ही आता, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है यार, यही बताने के लिए फोन कर रहा था, आज रात मेरी फ्लाइट थी। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ भैया, खींच के मैंने कुछ जानबूझ के नहीं की, सारी फ्लाइट कैंसिल हुई है, आज रात 12 बजे की फ्लाइट थी कैंसिल हो गई है। मुझे पता है शिफ्टिंग करनी है, सामान मुझे बता के ही आ रहा है, पैसे जाते हैं फिर ही सामान आता है, पैसे भिजवा रहा हूँ यहाँ से बैठ बैठ के, लेकिन अब आज रात की फ्लाइट थी नहीं आ पाया, क्या करूँ अब है? पैसों का सुना नहीं, बता रहा हूँ कि हाँ मुझे भावना है हर चीज की, आज आना था फ्लाइट कैंसिल हो गई है, कल इंशाल्लाह आपके पास सुबह फर्स्ट टाइम आपके पास। आप करें हल्की फुल्की शिफ्टिंग जो कर रहे हैं ना, बकाया मैं आता हूँ सारी कंप्लीट मैं खुद करवा दूंगा, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज, ओके अल्लाह, ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ओके जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक साइड से बचत हो गई है, अब चेकआउट करते हैं निकलते हैं। यार कितनी बार बताऊं अगर साइड इनकम जनरेट करनी है तो दी बेस्ट ऐप है बायनोमो। अब जिनको नहीं पता बायनोमो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप है जहां पर आप डेली 5 से 10 मिनट ट्रेड करके अच्छी खासी साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, और करना क्या है सिर्फ आपने फोरकास्ट सेलेक्ट करना है या अप या डाउन। हाँ अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो बायनोमो आपको एक डेमो अकाउंट देता है जिसके अंदर आपको 27 लाख रुपए पाकिस्तानी मिलता है, जहां पर आप अपना हाथ सीधा करके फिर प्रोफेशनल ट्रेडिंग 5,000 या 4,000 के डिपॉजिट से मिनिमम 1,700 के डिपॉजिट से आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, 90% तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं यार। अच्छा जी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से एक छोटी सी ट्रेड की है, देखते हैं कि अप जाता है या डाउन जाता है। ओके 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 चल 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 चल, देखने से लग रहा है कि अप जाएगा, जाएगा प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट देगा देगा, चल ये बात ये होता है सही फोरकास्ट करने का नतीजा। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने डिपॉजिट करने से पहले या प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले डेमो अकाउंट पे अपना हाथ सीधा कर लेना, जब आपको आइडिया हो जाए कि ट्रेड कैसे करते हैं फिर आपने पैसे लगाने हैं और 90% तक का प्रॉफिट आपने इजीली अर्न कर लेना। और अगर आप बायनोमो के वीआईपी मेंबर बन जाते हैं तो आपको 24/7 एक बंदा असिस्टेंस के लिए मिलेगा जो आपको गाइड किया करेगा कि यहां फोरकास्ट अप कर दें यहां डाउन कर दें, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल मिलेगी आपको 24/7, कोई टेंशन नहीं है वर्किंग आवर की।
और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज आपको साथ साथ मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। देर की चीज की है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक लगा दिया है, बाणोमा को डाउनलोड कर लो और घर बैठ के इजीली साइड इनकम जनरेट करो। चल भाई आ जा भाई। तू कितने चला है, कहाँ जा रहा है यार? बट मैं तुम दसिया मैंने दावत अरबियां लो यार, अज का दिन मैंने एक दिन दे चार पांच दिन चो नहीं कहा। कौन सा अरबी? मैं कबूतर का शौक करना है, मेरे दोस्त है यार कबूतर पा है। तो तू कहां कैसे जाएगा? पाकिस्तान का दोस्त है। अच्छा सेठ ने मैंने कहा यार के जाना है शौक करना। कड़ी मेरी कड़ी ला। केड़ी तेरी कड़ी पागल है तू? मेरी कड़ी मेरी है। तू चला किथे? सही दस, डेट पे जा रहना? डेट पे जा रहना? डेट पे जा रहना? सलवार कमीज पा के जानी है। मेरी कड़ी तो दे। केड़ी तेरी कड़ी? अच्छा चलो ठीक है जाओ, लेकिन वापस कैसे होगा? हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। मैं तुझे लोकेशन सेंड करना, मैं पढ़िया लिखे आईगा। अच्छा माशाल्लाह आला तलीम हासला। जी जी पहुंचो दफा वो ये जा रहा है किसी कबूतरबाज की तरफ, कहीं से इसको इनविटेशन आया हुआ है कबूतरबाजों का, आयो डोगर साहब तुम कबूतर खाइए, कबूतर देखने जा रहा पूरा टिप टॉप हो। हम निकलते हैं बाहर, कुछ पेट पूजा करते हैं क्योंकि नाश्ता तक नहीं किया हुआ, साढ़े चार हो गए हैं। उसके बाद भाई के घर जाना आज लाजमी, साथ में घर आज जाना है। मैं आपको दुबई के घर कैसे होते हैं वो भी दिखाता हूं। चलो ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। चेकआउट हमने कर दिया होटल का, व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। यार साथ भाई कितनी देर है यार, कब पहुंचेंगे घर हम? यार बट मेरा दिमाग ना खराब कर, आगे जो है छह बज गए, ये छह बज रहे। तो क्या हो गया यार, क्या हो गया, क्यों तपे हुए? नाश्ता नाश्ते का बोला था, हम नाश्ता कर रहे हैं, छह बज गए अभी तक नाश्ता भी नहीं। साथ भाई घर आज हमारा नाश्ता था, छह बज गए ने हले तक सड़क ते ही है, कोई नाश्ता नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई पानी नहीं, इतने आके भी कम सा नहीं ला रहा यार। इधर इतना बिजी क्यों है? पाकिस्तान भी यही होता है यार। तू इतना बिजी क्यों है यार? इधर हम बिजी है, मैं कहां बिजी हूं, हम सारे बिजी है। अरे कोई नहीं फिक्र ना करो इंशाल्लाह। अच्छा जी ऐसा है कि हम जा रहे हैं साथ भाई के घर, आपको मैंने होम पूर करवाना ठीक है, उसके अलावा माँ जी ने खाने बनाए हैं। माँ जी आपको मिलती हैं अभी, जरा चलो जरा, बहुत तपी हुई है यार। कोई बात नहीं, सारे जहान दिया मामा मेरे से तपिया ही रहनी है, मेरी अपनी माँ होवे, मेरी दूजी माँ होवे, मेरी तीजी माँ होवे, सारी मेरे तपिया ही रहनी है। आज तो मैं रोटी खुवा दूंगी ऐसी जालम। उसके बाद जो सीन है ना, सीन ये है कि पहले मैं कराऊंगा आपका होम टूर, उस पर हम खाएंगे खाना जो माँ जी ने बनाया, माँ जी से खाएंगे गालियां, आपको साथ भाई के फादर से मिलवाता हूँ, वेरी नाइस मैन। उसके बाद जो हमारा आज का होटल है जहां पर हमने रहना है, सारा जो शुगर मिला है वो आज स्पॉन्सर्ड है हमें नदीम मुबारक की तरफ से। पहले हमने तुम्हारा देख लिया सब कुछ। हाँ जी देख लिया है। आज पहले हमारी हमने तुम्हारी बैचलर पार्टी सब कुछ देख लिया ठीक है, और मैं तो उसमें बीमार हो गया। अच्छा बीमार आज गया। आज वो सीन है जिससे आज हम कामयाबी की अगली मंजिल को छू पाएंगे। यार तू पागल तो नहीं गई यार? दोबारा कर, दोबारा कर, होने की इरादा थी, करी करी करी। आज हम वो काम करने वाले हैं जिससे हम कामयाबी की आखिरी मंजिल को हाथ लगाएंगे। यार ये पागल है, इसकी बात को आपने सीरियस नहीं लेना, ये यूट्यूब को भी टिकटॉक ही समझ रहा है ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अभी हम खाना खा के फिर वहां से निकलेंगे और जाएंगे जहाँ पर भाई ने सारा अरेंज किया हुआ है, लेकिन तब तक उम्मीद है आप सब खैर खैर से होंगे। यार ये मेरी शर्ट तो उतार दे, देख लो चंडा मारा कर अपनी शर्ट, शर्ट है। कदी कहना की है तो कदी कहना की है। यार मैं शर्ट लगाना पहला तो चल भैया चुप कर भाई। अच्छा जी शर्ट से याद है शॉपिंग भी तो करनी, अभी शॉपिंग भी करनी थी यार घर वालों के लिए, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मेरी समझ से बाहर। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तभी यह सब ठीक होगी। मेरे भाई मेरी बहनें मेरे अंकल मेरी आंटी मेरे भांजे मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। जब तक पहुंचते हैं साथ में के घर, वीडियो करो लाइक, प्यारा सा करो कमेंट, आगे दोस्तों करो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो ताकि रजब फैमिली एज सून एज पॉसिबल 5 मिलियन स्ट्रॉन्ग हो सके ना मेरे भाई। चलो ओके जी, तो हम पहुंच चुके हैं साथ में के घर। साथ में एक प्रॉब्लम है यार, आपने मुझे इजाजत तो दे दी है कि तू मेरे घर का टूर करवा ले, लोगों को दिखा दे कि दुबई के अंदर घर किस तरह के होते हैं, किस तरह बना होता है, क्या सारा साहब है, आप कहाँ रहते हो ठीक है, लेकिन एक जो मिथ है ना वो पाकिस्तान में बड़ी है, अगर किसी की घर चोरी हो जाए ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं और करवाओ होम टूर, है कि नहीं? बंदे को आप ही लगे लग जाता है, अपना घर उठाया शायद आज कल चोरी हो गई है, है? तो वही ना आपका घर दिखाऊं तो कल आपका चोरी हो जाए फिर क्या करेंगे भाईजान? ये दुबई है पाकिस्तान नहीं। अच्छा तो मेरी गाड़ी खड़ी है वहां पे, उसके आगे भी प्लेट लगी हुई है कि साथ ही पार्किंग है रिजर्व है, उधर को गाड़ी नहीं लगा सकते। चलो बात मनु नहीं मैं कहना कि तू मेरा होम टूर करवा गया था तेरी चोरी हो गई है। अच्छा चलो ठीक है ओके। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? तबीयत ठीक है अंकल जी? थोड़ा सा मैं लेट हो गया, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। अच्छा जनाब शुक्र अल्लाह ताला का, ठीक हो बेटा आप सुनाए? अंकल जी फिर अंकल आंटी सारे तपे हमारे पे, ये देखो ये देखो ये हमारी भतीजी है जी साधे की बेटी, क्या हाल है?
अच्छा आपको टूर शूर करवाऊंगा बाद में, क्योंकि 7:30 हो रहे हैं और जिसने एक बुर्की नाश्ता भी किया वो भी हराम हो, उसके ऊपर माँ जी ने सारा खाना खुद बनाया हुआ, खाना खा लेते हैं, भूख तो नहीं लगी ना, लगी भूख? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी? किसी को बोलिया भी नहीं जा रहा, नाश्ता कर लेते हैं पहले, नाश्ता करता हूँ, रात की रोटी खा लेते हैं उसके बाद टूर करवाता हूँ। हमारे पास आती है चिकन बिरयानी, रायता, दाल माश, माँ जी को पता उनका बेटा खाता है, ये क्या भाई चिकन ही है, गुरमा चिकन आ गया, टिक्कियां आ गई, सैलड आ गया, और ये आ गया कौन सा पुलाव है, नली पुलाव, नली पुलाव, और ये आ गया पालक पनीर। हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हाय हाय, पालक पनीर, बिस्मिल्लाह रहमान, हाँ हाँ हाँ, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी अंदर गई है ना, सुकून हो गया है कि नहीं? Yes. की हो गया ही? की है ये, चेक करो मीठे को देख रहे कैसे देख रहा है। अच्छा जी मीठा खा लेते हैं उसके बाद टूर स्टार्ट करते हैं। ये जी माँ जी ने खीर बनाई है, खीर काटे तो ड्राई फ्रूट था खाने, इन्ने ड्राई फ्रूट है दर साहब, फिर करी साथ आ गई चॉकलेट जो कि है हमारी भतीजी हुरैन की, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हाँ 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 ठंडी खीर, ओके जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोटी शोटी खा ली है। अच्छा अब एज प्रॉमिस्ड आपको 7 भाई के घर का टूर करवाते हैं। अच्छा यहाँ पर ना घर बहुत कम है, मतलब कोई मिलियनर या बिलियनर ही होगा ना, मतलब जिसको अल्लाह ने बहुत ही नवाजा होगा वो यहाँ पर घर अफोर्ड कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पर फ्लैट सिस्टम है जैसे अपना कराची में, अपार्टमेंट सिस्टम यहाँ पर ज्यादा है। भाई हमारा कौन सा फ्लोर है? 8th, 8th floor है, लास्ट फ्लोर भाई ने लिया हुआ, ठीक है। भाई का जो है ना वो जो हाउस नंबर है कहीं 2 नंबर आगे होते ना तो मजा आ जाना था भाई जान, चेक कर रहे हो 802 है ना। अच्छा चलो भाई आगे आओ ना, आप आगे आओ, आप आगे आओ, आगे आओ, बिस्मिल्लाह करो, क्योंकि सास भी कभी बहू की। अच्छा जी ये मेन गेट आ गया, ठीक है, ये बाहर आप सारा देखे, ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, ये मेन गेट आ गया, आजा भाई अंदर आते ही चप्पल उतारेंगे हम। यहाँ पर भतीजी हमारी ने बैकग्राउंड म्यूजिक देना स्टार्ट कर दिया। एंटर होते ही आपको टीवी लाउंज मिलता है जो कि भाई बहुत जबरदस्त है, जेन्युइन बात है, मैं एवं नहीं काले रंग का शदाई, काला रंग जो है ना वो अट्रैक्शन तो है, मैं खुद उसी लिए मैंने ये सारा खुद करवाया। अच्छा ये सारा आपने खुद फर्निश करवाया है? अच्छा भाई का अपार्टमेंट नहीं है, भाई का विला है, ठीक है, अपार्टमेंट जो है वो मेरे ख्याल इससे हाफ है ना, इससे हाफ है, ये पेंट हाउस है, ये टॉप पे है इसलिए पेंट हाउस है, जो इसका व्यू बाहर से ना हाय 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 जालम व्यू है, मैंने कल देखा था। अच्छा जी ये देखें, ये आ गया टीवी लाउंज और ये आ गए सरबराह इस घर के, कैसे हैं जी, ठीक ठाक। और आपको बताऊं कि अंकल भी शादबाग से हैं, जहां से मैं हूं ना वहीं से अंकल है, ऐसे ही अंकल जी, बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह सेट किया आपने घर, ये सारा टीवी लाउंज आ गया, जबरदस्त नाइस माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पेंट हाउस है कितने वे खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, छुपा हुआ है, दिखाता हूँ। एंट्रेंस से अंदर आते ही टीवी लाउंज मिलेगा आपको, ये साथ है किचन, यहाँ पर हमारी अम्मा है, हमारी भाभी है, वो लोग कैमरे में नहीं आते। दूसरी बात ये कि बीबियां अपना किचन कभी नहीं बहादियां जो गंदा हो, साफ हो तो फिर बहादियां, ऐसे है कि नहीं। ये आ गया जी पाउडर वॉशरूम, ठीक है, ये पाउडर वॉशरूम आ गया, इन बंद ही रहने देने। जब आप यहाँ से एंटर होते हैं ये देखो स्ट्रेट, चलो डुम 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 डुम, यहाँ से आपका पेंट हाउस स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट बेडरूम, ये आ गया फर्स्ट बेडरूम, और ये है अपने अपने बॉय का, नहीं बाबा का, ओ यस, ये अंकल आंटी का बेडरूम आ गया, हा हा हा, चेक करो माशाल्लाह। अच्छा सिंपल सिंपल है ना, कितना प्यारा लग रहा है, कोई वार्डरोब नहीं लगी हुई, वार्डरोब तो है सॉरी, कोई दीवार पे हैंगिंग नहीं लगी हुई, कोई पता नहीं की समझ रहे हो, सिंपल ज्यादा प्यारा है उसमें, ये हुए नाइस यार, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत है। ये अंकल और आंटी का बेडरूम आ गया, ठीक है, विद अटैच बाथ, ठीक है, ये इसका अटैच बाथ आ गया, ओके चलो जी। यहाँ से आप फिर बाहर होते हैं तो ये आ गया जी सेकंड बेडरूम, जो कि हमारे छड़े बॉय का है, बेचारा रोता है यार शादी कब होगी, हाँ मेरे से पूछ, मैं कहता हूँ जितनी आगे हो सकती हो जाए, मैं बड़ा डरता हूँ शादी, पता नहीं क्या चीज है। अच्छा जी यहाँ पर अंदर आते हैं, ये हमारे छड़े बॉय का साकी का बेडरूम आ गया, सारे यार आपने बिल्कुल सिंपल एंड प्लेन रखे हुए हैं ना, प्यारे लगते हैं, सिंपल चीजें प्यारी लगती है, और ये आपको वार्डरोब सारे अपार्टमेंट के साथ सारे विला के साथ मिलती है हर रूम के अंदर, ठीक है। इसका भी ये अटैच वॉशरूम आ गया, एक वॉशरूम मिल जाते हो यार, वैसे वॉशरूम की फिनिशिंग कैसी है भाई, ओके नदीम कितने में, ओके ओके ओके, अच्छा ये तू मेरा भरा है, तू मेरा भरा है, जर्मन गर्ल भरा है तू मेरा। अच्छा जी यहां से हम जाते हैं स्ट्रेट, तो आता है बॉबी बाय, बॉबी बाय, बॉबी बाय का बेडरूम आता है यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया बॉस का बेडरूम जी, ये हमारी भतीजी की क्या है, क्या कहते हैं इसको, कॉट, कॉट कहते हैं, आहा नाइस। अच्छा भाई ने ना थीम रखी हुई है
सारे घर का स्ट्रेट, कोई पीछे पैनलिंग नहीं, कोई वॉलपेपर नहीं, कोई हैंगिंग नहीं है ना, कोई इंडोर नहीं लगा नहीं हुआ। यहाँ पर इंडोर नहीं लगे होते, जब बिल्डिंग बनती है तो वो ऑटोमेटिकली अंदर इंस्टॉल उन्होंने किए होते हैं इसी। ठीक है, ये आ गया जी सात बजे का बेडरूम। ठीक है, वॉशरूम। एक मिनट यार नदीम, नदीम रुक जा यार, क्या हो गया? आए हाय हाय नदीम सना, ठीक है? नदीम तू की जाहिल आदमी है यार, इसके नाखून देखो, नाखून दिखा, नाखून दिखा, नाखून काट अपने, ये देखो गुस्सा 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 आ गई, गुस्सा आ गई, दिसंबर कोई रख ला दिसंबर रख ला। अच्छा जी क्या ख्याल है नदीम का और मेरा, दंगल ना हो जाए? डेट मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर जंगल देखना चाहते हैं जनवन सही जंगल होगा, चपेड़ा मुगे ठुडे सही कबड्डी कबड्डी वाला जंगल होना साडा, ठीक है? लगता है ना कबड्डी वाली आवे जरा, छोड़ दे जरा, नहीं बस नहीं ठीक है। और नहीं मैं नहीं करता भाईजान, अगर आप ये जंगल देखना चाहते हैं ना तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर 20,000 कमेंट दे दे कि हां भाई रजब वर्सेस नदीम देखना होगा, सबसे बड़ा जंगल होगा कबड्डी का। हां सबसे बड़ा जंगल, बाकी सारा सबसे बड़ा जंगल, सबसे बड़ा जंगल होगा, खुदा की कसम सबसे बड़ा जंगल। चल अच्छा जी, अरे जी ये बात कंफर्म है, इसने ललकारा मुझे अंकल जी, देख रहे हैं इसकी सेहत, देख रहे हैं काम, देख रहे हैं हमारा यहाँ पे लॉक हो गया कबड्डी कबड्डी का, इसका मेरा पैचअप होगा 1 करोड़ रुपया, पूरा 1 करोड़ रुपया, पूरा 1 करोड़ रुपए का डन हो गया, डन हो गया। जरा हारेगा वो मरेगा, वो मरेगा क्यों नहीं मरेगा? अच्छा जी अब सबसे जबरदस्त चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है, जो विला जिसको एक्चुअल विला कहते हैं, अभी थोड़ा सा रात का टाइम है, हाँ पेंट हाउस ये वहां तक है, ठीक है, ए यहां तक है, ठीक है, ये साथ सारा किचन है, ऐ चेक करो जरा, टॉप फ्लोर है ना, ये टॉप फ्लोर है, ए ऐ देखो, हाय 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 हाय, दिस इज दुबई बेबी, दिस इज दुबई, जबरदस्त, यहां से ये आपको पूरा दुबई का व्यू देता है भाई जान, जबरदस्त किस्म का। अच्छा मैं अपार्टमेंट इसलिए देख रहा हूँ और इसलिए आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो है ना वो इन फ्यूचर की प्लानिंग है कि मैंने इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक जो है ना क्या कहते हैं इसको पेंट हाउस, एक पेंट हाउस या एक सिंगल बेड का जो अपार्टमेंट है ना वो तो लाजमी लेना है यार, लाइफ स्टाइल ही डिफरेंस है यहाँ पे, बिल्कुल डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, मतलब कुछ हो रही है यार, ऐसी मतलब ऐसी सफाई, ऐसी सफाई, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, एक लेना है इंशाल्लाह भाई। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने का लेता है अगर मैं लूं 1 बेड का अपार्टमेंट? अच्छा किस्तों पे नहीं, हाँ। नेट कैश अगर लेंगे भी तो अराउंड 1.1-1.2 मिलियन का मिल जाएगा, 1.1 मिलियन पाकिस्तानी नहीं, 1.1 मिलियन देना मतलब कम से कम 8-9 करोड़ रुपया, ऐसे ही है करेक्ट, 8-9 करोड़ रुपये का 1 बेड अपार्टमेंट इंशाल्लाह लेंगे यार। अपना प्लान बनाओ, अपना जहन बनाओ, चीजें अल्लाह की जात देती है, हाँ दौड़ लगाना तुम्हारा काम है, ये होगा तुम्हारा जी अपार्टमेंट का टूर। अब देखते हैं अगला सीन क्या बनता है, नदीम मुबारक ने हमारे लिए क्या सीन निकाला होगा, आ जा भाई आए चलो। ओके जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, खाना खा लिया, आपको टूर भी करवा दिया, अब हम निकल चुके हैं, लेकिन बाकी बॉयज कहाँ गए हैं? बाकी बॉयज गए हैं शॉपिंग करने भाई की अम्मा के साथ, अभी भी हमारे पास कल की टिकट का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, कल भी जो टिकट हमें मिल रही है वो सियालकोट एयरपोर्ट की मिल रही है, दुबई से आएगी और सियालकोट उतारेगी। मैं कहा ना भाई ना ना ना, रिस्क नहीं लेना क्योंकि मोटरवे जो है वो ऑलरेडी बंद है पाकिस्तान में, मैं यहाँ से तो आ जाऊँ वहां पर आके फंस जाऊँ तो फायदा कोई नहीं है। और आपके भाई की तबीयत इतनी जालिम खराब हो रही है, अब होम सिकनेस भी हो रही है और सेंटर के अंदर ना दर्द हो रही है क्योंकि ज्यादा की अपने साथ, सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ, एकदम आके 8:30 बजे नाश्ता किया रात के 8 बजे, अभी मैं घर से क्या खा के आया हूँ आपके, राइजे 2 गोलियां राइजे की खा के आया हूँ, तू कर रहे हैं मैं कह रहा दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक और आईफोन दे मेनू, वही बात करने लगा था कि आपको मैंने टूर भी करवा दिया, खाना शाना भी खा लिया, बॉयज चले गए शॉपिंग करने क्योंकि कल शायद हमारी फ्लाइट हो जाए, हमें जाना पड़ जाए, तो कुछ 2-4 चीजें मेरी हैं जो मैंने कहा लेके आओ। और एक बात याद है जो हम सऊदीया से गिफ्ट लेके आए थे ना, अभी तक वो भी अनबॉक्स नहीं किया, इतना टाइम नहीं मिल रहा। अब जो सीन है, अब सीन ये है कि बॉयज के आने तक हम जा रहे हैं अपनी नई रिहाइशगाह पे क्योंकि पुराना होटल हमने चेकआउट कर दिया। नदीम भाई का कहना ये है कि यार तेरी बैचलर्स नाइट है, मतलब आखिरी नाइट हो सकती है, कल हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि लाहौर वापस जाएं, जैसे भी जाएं लेकिन जाएं, कहीं ना कहीं से सीटें निकलवा लेंगे। अब भाई से पूछ रहे हैं क्या सीन है, की सीन है, गाँव में घूम घूम के थक गए हैं, गाँव में तुम जहाँ तुम ले गए, कौन सा गाँव, जंगल शंगल पता नहीं क्या, अच्छा जहाँ पर मैं लेके बैठा हूँ पीछे चाहते थे वो जंगल है, जंगल है और यार ये पागल है,
हर चीज को कहता है ये बेकार है, फजूल है, फजूल है, फजूल है, तू बेवकूफ है। ओ यार तुझे पता है मेरा स्टाइल का? ओहो आज जिस मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, और जिधर हैदर डॉगर तुमने अब देखना है। अच्छा, तुमने आज मुझे ये जरूर कहना है कि नहीं यार नानी वाले का लेवल है। नहीं तो मेरी बात सुन ना, तू पहले ही अपना लेवल दिखा देता, मुझे तो कोई मसला नहीं था, सारी बुकिंग तू पहले खुद ही करवा लेता, कोई बात नहीं। तुमने खुद कहा था शकल देखो, पहले मैं जंगल में लेके जाऊंगा, मैं जंगल आपको घुमाऊंगा, हमने जंगल घूम के हम तो छाट यार नदीम, इतने दिल से मैंने हर चीज की थी, तूने जंगल बना दी। भाई ये जंगल था महंगा तरीन लगा था दुबई का, ठीक था अच्छी थी, लेकिन अब ये जिधर जा रहा ना हाँ। सरप्राइज। अच्छा पक्की बात है? जगह रेडी हो जाओ, देख ली बिस्ती ना करवा दूं यार, नानी वाले का लेवल है। ओके जी पहुंचे हैं, तब तक हैदर डोगर साहब सवेर दी कबूतरबाजी करने के लिए वापस नहीं आए। हैदर डोगर जहांगीर तीनों अब वहीं पे आएंगे, उनको मैं पहुंच के लोकेशन भेज देता हूँ और जाके आपको भी दिखाता हूँ कि क्या ही सरप्राइज लेके आ गए नदीम नानी वाला जी। चलो हाय 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 हाय, ये तो जेबीआर आ गए हम, जेबीआर आ गए वाइफ सेकर तेरा तेरा पाकिस्तान का डिफेंस है ना, उसी तरह दुबई का जेबीआर जो है ना वो पोर्च इलाका, ठीक है भजन, मेरी जितनी पसली थी मैं वहां ले गया, मेरी जितनी पसली थी मैं वहां पर ले गया, ठीक है भाई। आए आए नहीं, इलाका इलाका तो अच्छा है, इलाका अच्छा है, होटल बहुत एक्सपेंसिव है, मैं समझ गया हूँ, ठीक है जहाँ तू लेके आया सब समझ गया हूँ। ऐसा है, पहली एंट्री चेक करो जरा, पहली एंट्री चेक करो जी, ये होटल है नहीं लेवल है। अच्छा ऐसा है कि अपने बॉयज आ लें, फिर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, अभी फिलहाल चेक इन कर लेते हैं बस। अच्छा जी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, ठीक है बॉयज अपने पता नहीं कब आएंगे, शॉपिंग कर रहे हैं, थक ही नहीं रहे। मैं आपको मिलवाता हूँ अपने एक अदद भाई से। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। सलमान भाई है रिक्सॉस होटल के, जो जेबीआर जो है ना रिक्सॉस प्रीमियम होटल, उसके मैनेजर है ऑल ओवर। सलमान भाई क्या बुक किया हमारे लिए, कोई टीटो पार्टी लगा के आया ये भाई? ये इस होटल का जिससे मर्जी पूछ ले, यहाँ के मैनेजर है, सबसे महंगा जो है ना हमने बुक किया। सलमान भी कैसे बोलता है, पता कैसे बोलता है सलमान भी, ऐसे बोलता है सबसे महंगा, ऐसे बोलते भाई इसको बता दे आज। चलो चलो चलो, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। लो जी आया 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 आया, ये जी अंदर आती वॉशरूम आ गया। पहले मेरे से इंतजार नहीं हो रहा था कि मैं आपको दिखाऊं, बॉयज जब आएंगे तब देख लेंगे खुद ही। इसका फुल 360 डिग्री सी व्यू है, ये लिविंग है इसका, ठीक है, और दो इसके लेवल जो है, देख तो लेने दे क्या हो गया तुझे। लो जी ये लिविंग आ गया, टीवी लाउंज आ गया, ठीक है कुछ भी कह ले जी। सलमान भी क्विकली जरा केक दे। हाय हाय सलमान भी, ये तो लव यू हो गया यार, काटते यार बाद में काटते आराम से काटते यार, चवले ना मार। अच्छा सलमान भी यहाँ से मेरा ख्याल सारा वो है जेबीआर का व्यू, सारा वो जो है ना व्यू और स्काई डाइव जो है, ठीक है पूरा स्काई डाइव और आपको फुल सी व्यू नजर आएगा। लेकिन ये मॉल देखने वाला है सुबह सुबह अर्ली टाइम मॉल देखने वाला है, हल्का सा दिखा देना। हम है इस टाइम 21 फ्लोर पे, 21वें फ्लोर पे हम है, ठीक है हल्का सा मैं आपको जो है ना वो टच करवा देता हूँ, लेकिन नहीं यार मजा नहीं आ रहा भाई, मजा नहीं आ रहा, स्विमिंग पूल वगैरह हल्का सा, और वो बिल्कुल सामने ट्रैक है जहां पर मैंने लास्ट टाइम स्काई डाइव की थी। अच्छा भाई ये मैं दिखाऊंगा सुबह सुबह, मजा आएगा इसे दिखाने का। इधर जो है ना आपके दो मास्टर बेडरूम है, ठीक है लेफ्ट राइट, मेरा कौन सा है? ये जी आपका रूम है। हाय हाय हाय, अच्छा ये स्पेशली मेरा क्यों है भाई, क्या खास है इसमें भाई? स्पेशली आई हूं फॉर यू टू चेक इन स्पेशल, लव यू भाई, लव यू, क्योंकि भाई मैनेजर है भाई, आते होते नहीं है लेकिन वो सिर्फ हमारी जात के लिए आए। अच्छा जी ये जी टच पैनल है, है कि ये तो सारे जी आपका कंट्रोल पैनल होगा सारे रूम का, क्या मतलब कर्टन वगैरह, जादू जादू। अच्छा जी यहाँ से पढ़ते बंद होंगी, ठीक है जबरदस्त, क्लीनिंग के लिए बोलना किसी को तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, क्या बोलना? क्लीनिंग के लिए, ओके ओके ओके, ठीक है यहाँ से सारा व्यू देख रहे हो पंगूड़ा दुबई का भाई, क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं इसको? ये है जी आइन दुबई, आइन दुबई, आइन दुबई, आइन दुबई, ये बीच के जो बिल्कुल सामने ना, ये सुबह माहौल दिखाऊंगा आपको पूरा का पूरा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा यहाँ से निकल के जी भाई, यहाँ से पूल व्यू भी है, हाँ जी वो सात बजे से भी आ रहा है लेकिन लेकिन नजर नहीं सही आ रहा ना, सुबह क्लियर नजर आएगा, सुबह दिखाऊंगा ऐसे अभी व्यू खराब नहीं करते। अच्छा ये होगा एक बेड भाई, ठीक है और आगे आपका मास्टर बेडरूम, ये साथ अटैच वॉशरूम आ गया, दीनी मैंने तुम्हें यहाँ नहलाना, यकीन करो जस्ट लाइक योर फादर, ऐसे तुम्हें प्यार से नहलाऊंगा, तुम्हें शैम्पू करवाऊंगा मैं, ओ ये माय ब्रदर, ये माय ब्रदर, ये डिगर लग गई मेरा ब्रदर, एने फाइट करनी मेरे नाल, ओ मेरा कड़ो पैक इसने मेरे साथ फाइट करनी है, मेरा कड़ो पैक ध्यान से गिरना चाहिए। अच्छा जी ये आ गया सुजुपोटी, यहाँ आ गया जी शावर, और ये आ गया आपका बाथटब, चले भाई ठीक है। उसके बाद एक और मास्टर बेडरूम जी, ये मेरा, अच्छा तेरा तो डोगर था, डोगर था मेरा नहीं ये मेरा डोगर का, आ रहा वो भी आ रहा है, वो सुबह से क्या हुआ है उसको किसी शेख ने बुलाया,
कबूतर देखने के लिए। अच्छा कबूतर देखने गया वहाँ के शारजा। अच्छा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, थोड़ी देर में आ रहा है। ये भी है मास्टर, ये आ गया जी सेकंड बेडरूम और साथ है जी इसका अटैच। अच्छा मेरे ख्याल है इसका इलेक्ट्रिक नहीं है ये वाला सारा सीन। नहीं नहीं है इलेक्ट्रिक है, ये है ना ठीक है ओके। ये यार कोई डिफरेंस नहीं रहना चाहिए ना, मेरे दोस्त ये ना कहीं यार तेरे पास इलेक्ट्रिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक नहीं है। यार मैंने सब कुछ क्या होगा ठीक है जी ओके। ये इसका अटैच वॉशरूम आ गया साथ, इसका अटैच वॉशरूम जबरदस्त ठीक है जी। सेम टू सेम सब कुछ, सेम टू सेम दो बेड आ गए यार। बहुत है यार सानू सी की करना है। ओ यार तू जिन्ने पैसे लाते ने सिर्फ तो लेके टिकट लेके होटल। यार भाई मेरी बात सुने तू फिर। अब मेरे पास जितने थे ना मैंने लगा दिए। अब ये लास्ट नाइट हमें यहाँ पर लेके आ गया और मेरे ट्रिप को फजूल कह रहा है यार। मैं इसने मुझे ट्रिप दिया, मैं कसम खुदा की बीमार हो गया बहुत ज्यादा, पता नहीं मैं किस जंगल मुझे ले गया। मैंने तीन दिन से खा रहा पी रहा मौजे कर रहा है, अब कहता है अब कहता है बीमार हो गया। मैंने कहा मैं इस इलाके में जिंदगी में नहीं आया, मेरे इलाके में चलो। मतलब ही वांट टू से, ही वांट टू से कि ये बहुत अमीर खानदान से मिस्र का शहजादा, ये हम गरीब लोग हैं ना। मैं बताता हूँ ये जब पहली दफा आया था ना ये डेरा में रुका था। डेरा पता क्या है, डेरा वो जहाँ पर सारे काले रहते हैं, सारे हबशी रहते हैं और सारे भाग के आए हुए हैं। कपल ऑफ इयर्स बैक सलमान भाई लव यू सो मच, आपके टाइम का शुक्रिया। और मैं बस चेंज चेंज करके आ रहा हूँ। आज जो है ना लास्ट नाइट है मेरी, मैंने एंजॉय कर देना आज फुल पार्टी ठीक है ना। और दूसरी बात आपको मैं सुबह उठ के ये सारा जो व्यू दिखाऊंगा ना फिर तक मोटिवेशन आएगी, फिर तुम उठोगे, फिर तुम काम करोगे, फिर तुम पैसे कमाओगे, फिर एक एक रजब फैमिली का मेंबर कल्ला कल्ला शेर का पुत्र इतने आके स्टे करेगा। और जब आप आओगे सलमान भाई आपको प्रॉपर डिस्काउंट देंगे, प्रॉमिस डन फॉर यू। और मोटिवेशन क्यों आएगी, जो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है इंशाल्लाह, प्रोजेक्ट भी आ रहा है खुदा की कसम इतनी सी फीस लेके आप सबके लिए। अगर जिसने लक आजमानी हो आजमा ले, जिसने इधर उधर की बात है उनके चुप करके बैठना हो बैठा दे, कोई मसले वाली बात नहीं ठीक है जी। भाई यस भाई प्लीज लेट्स कट द केक। थैंक यू सो मच सलमान भाई फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ भाई भाई ये आप बनाए, मेरे फोन से बनाए, मेरे फोन से बनाए। थैंक यू सो मच जी फॉर द बैचलर्स, हैप्पी बैचलर पार्टी मियां रजबात, मियां रजबात। इट्स अमेजिंग। लो जी ये बाहर से देख लो, ये अपना है होटल ठीक है। ये सामने आ गया जी पूल, सुबह आपको जो व्यू दिखाऊंगा सब दिखाऊंगा, लेकिन रात की भी अपनी वाइब है यार, चस्त तो है के नहीं सॉस जबरदस्त। अच्छा बिल्कुल सामने आपके बीच है, आपने कहीं पीछे से ट्रैफिक से घूम के नहीं आना, ये देख रहे हैं ये रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट सामने आपके बीच आ जाता ठीक है। और वो सामने आ गया आपका एंड दुबई का ठीक है, ये आ गया अपना होटल। अब बस वेट है कि मेरे बॉयज आ जाएं, अल्लाह के उनको पसंद आए सारा कुछ। चलो लौट के बुद्धू घर को आए, ओए अल्लाह की कसम एड्डा भारी दरवाजा ना, सरप्राइज है आपके लिए। की रह गया यार ये इतना भारी दरवाजा, क्या एक बम प्रूफ दरवाजा। क्या सरप्राइज है आए दर क्या है आए तो सही यार। आहा Assalamualaikum. Satlana ने भाई Satlana, how are you? Welcome, good, thank you. Thank you, thanks for the welcome. की सरप्राइज से कहा मेरे रूम में। ये किसने किया है? किसने किया भूल बूटे? वेलकम रजब भट्ट, आए हाय 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 बाकू अली आए मेरे जानम जाए, क्या बात है। ये किसने किया? सरप्राइज आपके। इज दिस फ्रॉम द होटल और फ्रॉम Satlana और फ्रॉम मी एंड Satlana? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस वेरी नाइस। Satlana, Satlana शर्मा गई हो, कम हियर बेटा, उरे आ, थैंक यू सो मच, कहती वेलकम बट, वेलकम बट, थैंक यू सो मच, दिस इज सो नाइस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आई लाइक इट, आई लाइक इट अ लॉट। अरे रदीम इधर आ, रदीम को दिखाए ना जरा, रदीम को दिखाए। ये हैदर साहब इधर आओ, हैदर साहब क्यों छुप रहे हो, इधर भी आ गया। ये Satlana ने चेक करो, अरेंज किया, चेक करो। मैंने ही बोला था जी, हर चीज का क्रेडिट लेगा, हर चीज का। मैंने कहा था ठीक हो ये ठीक है, दादी बाजी हो, क्या हुआ यार, सही नहीं लगी आपसे घर। अच्छा और यार पीछे देख, लड़की खड़ी को तमीज किया कर, बेवकूफ आदमी, हर घर बार एक जैसी तुम यार, क्या बात है भाई। Satlana ने अरेंज किया, Satlana सारे से क्या हुआ, इसने नहीं अरेंज, मैंने कहा Satlana ने, Satlana ने। और यार तू यार उन्होंने करो, डर गई अन्य मुंडे देख के। थैंक यू सो मच, आई रियली लाइक इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बदो बदी कुड़ी वेख के ना तो बड़ा अग्गे आ रहे हो, अग्गे आ रहे, शर्म कर तुझे आ कर, थैंक यू सो मच सलमान भाई, दिस इज सो नाइस, चेक कर हैं। अच्छा मेरा कार्ड तो आप ले जा रहे हो यार, तेरा ये सारा कुछ यार हैदर ना करया करो, हैदर कितने केड़ी शॉपिंग करने गए थे पुत्र, जिस तुसी फोत हो गए जाके शॉपिंग करने गए, कहां गए थे तुम लोग बताओ पहले, सारों की शॉपिंग करनी थी, हम अकेले अपनी नहीं करने गए थे। हां मेरी भी शॉपिंग यही करने गए थे, मैं कहा मैं नहीं जाना, चले जाओ।
और मेरी बात सुनो, डोगर का क्या था पता? कोई था पता नहीं डोगर एयरपोर्ट है, डोगर डोगर को पता है कि हम फ्लाइट पकड़े, वो शारजा एयरपोर्ट में बैठा हुआ है। अच्छा जी, ये शॉपिंग शॉपिंग करके आए हैं सारी, मैं व्लॉग को फिलहाल कर रहा हूँ यहाँ पर एंड, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, सामान भी हमारा आ गया। यार वो कुकीज पड़ी है खा लो, डोगर आएगा, देखते हैं क्या सीन करना है। सुबह के दिन इंशाल्लाह जैसे ही हमारी फ्लाइट जो है कंफर्म होती है, मैं सुबह उठ के आपको सारा ये व्यू करवाऊंगा। और थैंक यू सो मच यार, बड़ा जबरदस्त अरेंज किया हो, होटल होटल वालों ने भी बड़ा जो है ना प्रोटोकॉल दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, जिसने इतनी रिस्पेक्ट दी, सामान हमारा आ गया। व्लॉग को फिलहाल करते हैं यहाँ पर एंड, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती मुलाकात कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। और यहाँ से भी जाएंगे हम अंदर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सलमान भाई सुबह तुम व्यू दिखावांगा, तो क्या साल ये पहले कहां पे थे इधर? ए पुत्र बहुत पैसे लगते ने इत्थे, बहुत ज्यादा पैसे लगते ने। यार मेरी गल सुन, साडा भी एडा माड़ा नहीं आई यार, ठीक था। अच्छा देखो, यहाँ पर जो है ना एक आधे दिन की या दो दिन की पार्टी शार्टी हो सकती है, ऐसे उन चार चार पांच पांच दिन रहा जुराबा बेचने पे, दो दिन निकालो, सिर्फ एक दिन का हो। नहीं ऐसी भी बात नहीं है, ऐसी गल भी नहीं है, जो टेल ला लवाना फिर तो मैं पूरा महीना रहा, फिर कुछ होगा नहीं, समझ क्यों ना, ब्लॉग चल रहा है ना। हाँ ये सारे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो टेल लग गई, जे जे जिद लग गई, तेन मेरा पता है जिद लग गई, फिर महीना रहा है। बेटा स्विमिंग पूल तेरे पुराने होटल भी है ऐसी, यार तू की करना पे है, सुबह देखेंगे, सुबह देखेंगे और सुबह दिखाएंगे। इस व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड, ठीक है जी, कल होती मुलाकात सलमान भाई, लव यू, थैंक यू, बाय बाय बॉस, अल्लाह हाफिज़। चल भाई, और डोगर का पता कर लो, मरमुर तो नहीं किया, कर रहे हैं किसी अरबी ने कैद कर लिया, ओके यार। Yeah.